पुरुषार्थ का सवाल है। जैसे अभी जैसे दिन प्रतिदिन नजदीक आता आ रहा है, इसे समय के हिसाब से परिवर्तन है, लेकिन बच्चा ब्राह्मण परिवार में एडवांस ब्राह्मण की दुनिया में भी पुरुषार्थ का गति थोड़ा हल्का दिखाई देता है। थोड़ा क्यों स्टूडेंट बाबा, देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग पुरुषार्थ। जस्ट लाइक नाउ टाइम इज नियरिंग डे बाय डे, सो transformation should take place, but the pace of purushartha of the children seems to be slow to some extent in the advanced brahmin world too. Baba, why to some extent? मतलब ऐसे तो दुनिया बनती जा रही शूटिंग के हिसाब से, हिसाब से क्रिकेट चल रहा है तो और नीचे गिरेगी कि ऊंची उठेगी? According to the shooting, the world is continuing to become tamo pradhan. The interval period is going on. So will it fall all the more or will it rise high? तो इसी रीति से आगे बढ़ने से फिर बाबा लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी फिर? स्टूडेंट बाबा, देन हाउ विल वी बी एबल टू अचीव आवर एम इफ वी मूव एट द सेम पेस? अरे तो इसके लिए कोई मतलब अभी सहारा अभी आती हो गई? अरे हैज इट रीच्ड द एक्सट्रीमिटी नाउ? पुरुषार्थ के गिरावट की अति हो गई अभी? Has the downfall in purusharth reached the extremity now? बिल्कुल अति तो नहीं हुई। अति नहीं तो अति होगी तभी तो अंत होगा। Student, it hasn't reached complete extremity. It hasn't reached the complete extremity. So, it will come to an end only when it reaches the extremity. अति होने से पहले अंत हो जाएगा क्या? Will it end before it reaches the extremity? फिर इसका अर्थ पुरुषार्थ में जो गिरावट आ रहा है इसे मतलब? स्टूडेंट सो इट मीन्स द डाउनफॉल इन पुरुषार्थ वो अभी और तेजी से गिरावट और तेजी से आ जाएगी, विल टेक प्लेस इवन मोर रैपिडली आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरे गिरावट का ही टाइम चल रहा है तो अच्छी तरह से गिर लो। देयर विल बी डाउनफॉल बट दैट डजंट मीन यू थिंक अरे इट इज सर्टेनली द टाइम ऑफ डाउनफॉल सो फॉल नाइसली, ये मतलब नहीं है। That isn't the meaning. क्योंकि कलयुग के अंत में भी कलयुग अंत की शूटिंग में भी भले कलयुग अंत की शूटिंग चल रही लेकिन कोई तो बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो पुरुषार्थ में और तीखे हो जाते हैं। It is because even at the end of the Iron Age, even in the shooting period of the end of the Iron Age, although the shooting of the end of the Iron Age is going on, there are at least some children of Baba who make more intense purusharth. जितना माया प्रकोप करती है, हमला करती है, उतना ही उनका पुरुषार्थ और भी तीखा हो जाता है। The more Maya becomes wrathful, the more she attacks, their purusharth becomes intense to that extent. तो हमें वैसा बनना है कि हमें ये सोचना है अभी तो टाइम ही ऐसा चल रहा है। So, do we have to become like that, or do we have to think, अरे, now the time that is going on itself is such? तो टाइम के अनुसार परिवर्तन होने वाला बनना है या टाइम को परिवर्तन करना है? Do we have to change according to time or do we have to change time? Student, we have to change time. हाँ? Yes. टाइम तो समय तो जड़ है। Time is inert. हाँ? और हमारी आत्मा तो चैतन्य है। And our soul is in fact living. तो चैतन्य में ज्यादा ताकत या जड़ में ज्यादा ताकत? So, does something living have more power or something inert have more power? चैतन्य ज्यादा ताकत। Living beings have more power. तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए अभी तो टाइम ही ऐसा चल रहा है। So, we shouldn't think. Now the time that is going on itself is such. तमो प्रधानता का टाइम चल रहा है अभी, तमो प्रधान तो बनना ही है। The tamo pradhan time is going on. We certainly have to become tamo pradhan now. दुनिया ही tamo pradhan है तो हम भी tamo pradhan बने। The world itself is tamo pradhan. So we will also become tamo pradhan. नहीं। No. tamo pradhan है time, लेकिन बाप आया हुआ। The time is certainly tamo pradhan, but the father has come. क्या? What? क्या नशा हो? What elation should you have? है तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने वाला बाप आया हुआ है सर्वशक्तिमान। द ऑलमाइटी फादर हैज कम टू मेक द तमो प्रधान वर्ल्ड इनटू सतो प्रधान।
माया सामने आ जाती है बुद्धि में, अरे माया आ गई, अब हम क्या करें? माया कम्स इन फ्रंट ऑफ यू इन योर इंटेलेक्ट, अरे माया हैज कम, नाउ व्हाट शुड वी डू? अरे माया आ गई, लेकिन माया का अपोजिशन करने वाला भी तो है हमारे साथ। अरे माया हैज कम, बट द वन हु अपोजेस माया इज ऑल्सो विद अस।